इस वक्त हमारे साथ रतनलाल गुप्ता जी है। बहुत बहुत स्वागत सर। एक बड़ी प्रचंड जीत जो है हम ये देख रहे हैं। कहां पर ये दावा किया जाता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो वजूद में नहीं है, इस बड़ी जीत को आप किस तरह से देखते हैं? ये झूठ बोलते थे, पहले भी झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। लोगों से झूठ बोल के कितनी देर चलेंगे? लद्दाख जम्मू कश्मीर के लोगों ने साबित कर दिया ये कल की इलेक्शन से, जिस पे पूरे हिंदुस्तान और नेशनल लेवल के लोगों की नज़रें लगी थी कि बनेगा क्या, इस इलेक्शन में क्या होगा। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये कहते हैं हमने सफ़े हस्ती से मिटा दी है, उसका क्या होगा? लोगों ने साबित कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे दिलों में बसती है, ये हल्का निशान हमारे दिलो दिमाग में है। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमारा ये निशान जो है ये भी हमसे छीनने की कोशिश की। रतनलाल जी, आप किस तरह से देखते हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक पहली बड़ी इलेक्शन, इसे आप किस तरह से देखते हैं और आपकी एक लगभग प्रचंड 12 सीटें? देखिए, इस इलेक्शन ने बीजेपी के मुंह पे एक ज़बरदस्त तमाचा मारा है और उन्होंने साबित कर दिया है कि आप झूठ बोलते हैं, बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे, लेकिन लोग ये झूठ ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, ना बर्दाश्त करेंगे। जिस ढंग से लोगों को आप तंग कर रहे हैं, जिस ढंग से आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी एक पर्सनल कॉलोनी बना के रख दिया है, आज लोगों ने साबित कर दिया है कि हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आखिरी सवाल आपसे, कल 10 तारीख है, जो ऐलान किया गया था आपके सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि 10 तारीख को एक बड़ा ऐलान, वो उसकी तैयारियां किस तरह से हम देखें और उसके बाद 5 राज्यों के चुनावों की भी घोषणा? देखिए, ये 10 तारीख को जो हमने टोकन धरना रखा हुआ है, तमाम हमारे जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिनकी सरपरस्ती जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उन्होंने उस दिन ऐलान किया, क्योंकि उस दिन जो मीटिंग हुई उसमें मेन मुद्दे यही आए कि जम्मू कश्मीर के लोग किन मुसीबतों में जूझ रहे हैं, किन परेशानियों में चल रहे हैं, चाहे फार्मर है, चाहे नौजवान है, चाहे ट्रेडर है, चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, किन मुसीबतों में जूझ रहा है। टैक्सों पर टैक्स यहाँ आ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये बातें वहाँ डिस्कस हुई, तब हमने कहा कि लेट अस स्टार्ट ए सिम्बॉलिक धरना अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट जो झूठ बोल रही है, जो लोगों को बरगला रही है झूठ के नाम पे, धोखे के नाम पे। इसके लिए हमने 10 तारीख कल हमारा धरना हो रहा है, तमाम अपोजिशन पार्टीज के हमारे ऑफिस बेरर फंक्शनरी जो हैं वो उस धरने पे बैठ रहे हैं और उसके बाद आगे हमारा प्रोग्राम क्या होगा वो हमारी लीडरशिप बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रतनलाल जी और बहुत बहुत मुबारक है आपको, आपकी पार्टी को। तो आपने देखा कि रतनलाल गुप्ता जी थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ जाहिर किया है तो आने वाले समय में एक बार फिर से अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो एक बड़ी प्रचंड जीत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलशन न्यूज़ से नमस्कार।